डियर स्टूडेंट्स आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा ये नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री की के बुक है आपने बुक के अंदर से क्या क्या चीज़ें करनी है टाइम बहुत शॉर्ट है मैं वो चीजें आपको बताऊंगा जो कि इन शाली पेपर के अंदर पूछी जाएंगी। सो so, लाजमी इस वीडियो को पूरा देखना है सो so, सबसे पहले आपने काम करना है वीडियो को लाइक कर दें नीचे लाइक का बटन होगा और जो बच्चे चैनल पर नए हैं लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद वीडियोज़ जो आप लोग सबसे पहले पहुँच जाएँ so, जल्दी से अपनी बुक न लेनी आप लोगों ने जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आपने जल्दी से इनको रिवाइज़ कर लेना एक दफ़ा सो सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर वन पर आना है चैप्टर नंबर वन के अंदर आपने ऑर्गेनिक कमस्ट्री इनऑर्गेनिक कमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री और बायो कैमिस्ट्री ये करनी हैं अच्छे तरीके है से उसके बाद आपने आ करनी है एलिमेंट की डेफिनेशन करनी है उसके बाद आपने वैलेंसी की डेफिनेशन करनी है उसके बाद आपने कंपाउंड की डेफिनेशन करनी है मिक्सचर की डेफिनेशन करनी है या तो डेफिनेशन ही कर लें अगर डेफिनेशन आप लोग नहीं करना चाह रहे तो इनको छोड़ देना है आपने कंपाउंड और मिक्सचर इनका जो फ़र्क है वो याद कर लेना ये वाला इस फ़र्क के अंदर आप लोगों के ये आप लोगों का डब्बा जो है यहाँ पर दिख भी जाएगा इस फर्क के अंदर आप लोगों का डेफिनेशन भी आ जाएगी एग्जाम्पल वगैरह हर चीज़ जो है इसके अंदर इनकलूड हो जाएगी उसके बाद आपने टोमिक नंबर और आ, मास नंबर इन, इनकी डेफिनेशन करनी है उसके बाद ए एम यू की डेफिनेशन करनी है ठीक है रिलेटिव टोमिक मास की ये वाली फिर आपने उसके बाद आना है एम्पीटिकल फार्मूला की डेफिनेशन और एग्ज़ाम्पल उसके बाद आइन कटाइन और अन इनकी डेफिनेशन करनी है ये जो तीन डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई हैं ये आपने करनी है एवोकैड्रो नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसी तरीके से आपकी भाई चैप्टर के अंदर से आपने सिर्फ इतना ही पोर्शन करना है मैंने आप लोगों को जो जैसे स्कीम पिछली स्कीम वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने बताया था तकरीबन दो या तीन इस चैप्टर में से शॉर्ट आने हैं और एक आप लोगों का लॉन्ग का पोर्शन आना है ठीक है और तकरीबन एक या दो एम सी गुजारनी है तक दस नंबर का पेपर पहले चैप्टर में से आपका बनेगा सो so, उसके बाद एक्सरसाइज के जो सवाल आते हैं ये आपने लाजमी तौर पर करने हैं जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनको लाजमी तौर पर करने पहले चैप्टर के पूरे ठीक है उसके बाद चैप्टर नंबर दो पे आना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वाले पे इसके अंदर आप लोगों ने आप प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ कनाल रेस ये उसके बाद रिजल्ट ऑफ अरदर फॉर एक्सपेरिमेंट ये आपने करना है बोहर अटोमिक थ्योरी इसके जो आप पास्टुलर्ट्स दिए गए हैं आपने वो करने हैं अच्छे तरीके से ठीक है बोहर अटोमिक थ्योरी के इसी तरीके से आ, रदर फॉरटोमिक थ्योरी और बोहर बोहराटोमिक थ्योरी इनका फर्क ये वाला करना है ठीक है शेल और सब शेल की डेफिनेशन करनी है इसी तरीके से लास्ट पे आइसोटोप है उसकी डेफिनेशन करनी है और यूरेनियम के आइसोटोप और हाइड्रोजन के आइसोटोप ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है फिर उसके बाद है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स ठीक है ये लॉन्ग क्वेश्चन जब ये भी ये भी आ जाता है तो ये आपने लाजमी तौर पर जो देख लेना है पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ये लॉन्ग के लिए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से पांच आपके हो जाने हैं पहले दो चैप्टर आपने कर लेने जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इन श्रा ती इसमें से आपका तकरीबन तकरीबन जो है वो बीस से पच्चीस नंबर का पेपर कवर हो जाएगा ठीक है उसके बाद चैप्टर नंबर थ्री पे आना है चैप्टर नंबर थ्री के अंदर से जो आपने करनी है लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर से मोस्टली नहीं आता ठीक है इसके अंदर से आपने करना है मॉडर्न टेबल की डेफिनेशन साइलेंट फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल पीरियड और ग्रुप की डेफिनेशन करनी है ठीक है उसके बाद ब्लॉक की डेफिनेशन करनी है कितने ब्लॉक होते हैं वो उसके बाद आपने कुछ नहीं करना शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन इसका ट्रेंड आपने करना है पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर इसी तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी डेफिनेशन करनी है इसका ट्रेंड करना है ग्रुप के अंदर पीरियड के अंदर मोस्ट इंपॉटेंट सवालत हैं इन शाह तला बहुत सारी गारंटी है दफा कि इस दफ़ा ये सवाल पेपर के अंदर लाजमी पूछे जाएंगे आपने इनको अच्छे से पढ़ के जाना है उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डेफिनेशन और ट्रेंड ठीक है ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर आपने इनका रुझान करना है बस सिंपल इस चैप्टर के अंदर से यही चीज़ें करनी है उसके बाद आना चैप्टर नंबर फोर की इसके अंदर से लॉन्ग सवाल भी आएगा ठीक है तो इसके लिए आपने करने हैं कोवनेट बॉन्ड की डेफिनेशन उसके लिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल ये तीनों करने हैं साथ साथ आपने करना है आयनिक बॉन्ड ठीक है डेफिनेशन करनी है और एग्जाम्पल करनी है ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है शॉर्ट भी पूछ लेता है लॉन्ग भी इसके साथ है डेटिव uh, कोवनेट बॉन्ड कोडिनेट कोवनेट बॉन्ड जिसे आप लोग कहते हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बाद पोलर और नॉन पोलर कोवोनेट बॉन्ड सिर्फ डेफिनेशन ही करनी है छोटी छोटी हैं इसके बाद मेटालिक बॉन्ड डेफिनेशन और एग्जाम्पल ठीक है इसके बाद है वंडरवाल फोर्सिस मालिकुलर फॉर इंटर मालिकुलर फोर्सिस सिर्फ डेफिनेशन ही करनी है और साथ उनकी जो एग्जाम्पल छोटी छोटी इतनी इतनी दी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जाम्पल और वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर इस चैप्टर के अंदर सवाल है बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so, आपने लाजमी तौर पर इसको देखना है उसके बाद ये आयनिक कंपाउंड कोवलन कंपाउंड इनकी सिर्फ जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं आपने वो प्रॉपर्टीज जो है अच्छे तरीके से याद करनी है बाकी आपने कुछ नहीं करना है यहाँ से उसके बाद मेटल्स हैं मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर डक्टाइल और मेलियबल मटेरियल है ठीक है यहाँ पे आपको मे भी दिख जाएगा ठीक है ये भी आपने करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है डकटाइल और मेलिएबल मटीरियल उसके बाद चैप्टर नंबर फाइव पर आना इसके अंदर से भी लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है तो इसके अंदर से आपको मैं बताता हूँ बॉइल्स ला चार्लस ला लोंग क्वेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है आप लाजमी तौर पर इसको करना है वेपोरेशन की डेफिनेशन एंड ऑन वट फैक्टर्स वेपोरेशन डिपेंड कौन कौन से फैक्टर पर वेपोरेशन डिपेंड करती है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ऑन वट फैक्टर्स बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार किन बामल पर होता है इसी तरीके से डिफ्यूजन की एग्जाम्पल मिसाल करनी है सॉरी डेफिनेशन करनी है और किन चीज़ों पर इसका जो है वो ये डिपेंड करते हैं फैक्टर इंटर मालिकुलर फोर्स साइज ऑफ मालिकूल शेप ऑफ मालिकूल इस तरीके के मार्फा सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड एलिट्रोपिक की डेफिनेशन पास इस चैप्टर के अंदर से ये करनी है पाँच चैप्टर हो गए हैं जिस बच्चे ने पाँच चैप्टर कर लिया उनशा उसके फोर्टी फाइव प्लस नंबर जो हैं इस कमिस्ट्री की बुक के अंदर आ जाएंगे सो अब जो अगले चैप्टर्स हैं उनके अंदर से आपने क्या करना सिर्फ चैप्टर नंबर सिक्स जो है ये एज अ शॉर्ट कर लें तो बेहतर है लॉन्ग इसके अंदर एक दो तो मैं आपको बता देता हूँ मोस्टली लॉन्ग इसके अंदर आता नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए सल्यूट की डेफिनेशन सोलमेंट की डेफिनेशन इसके बाद सैचूरेटी सोल्यूशन की डेफिनेशन अनसेचुरेट की डेफिनेशन ठीक है डाइल्यूट सोल्यूशन कंसनट्रेटरी सोल्यूशन सिर्फ डेफिनेशन छोटे छोटे ठीक है उसके बाद ये परसेंटेज है मास बाय वॉल्यूम वॉल्यूम बाय मास ठीक है ये आपने लाजमी तौर पर करने हैं इसके बाद है मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है उसके बाद सोलिबिलिटी की डेफिनेशन ऑन वाट फैक्टर सोलिबिलिटी डिपेंड ठीक है लाइक डिजॉल्व लाइक इसके साथ साथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी और उसके साथ है ये आपकी लास्ट पे 108 पे सॉल्यूशन कोलाइडल और सस्पेंशन वाला टॉपिक ये आपने लाजमी कर लेना है अच्छे तरीके से और बहुत चांस है कि ये भी पेपर के अंदर इस दफ़ा लाजमी पूछा जाएगा ये सॉल्यूशन कोलाइडर और सस्पेंशन का तो ये छः चैप्टर आपने पूरे करने हैं छः चैप्टर करके आपके लॉन्ग सवाल भी हो जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन का पहला डब्बा भी हो जाएगा तकरीबन आपके दस एम सी क्यू हो जाएंगे अब जो अगले दो से तीन चैप्टर हैं उनके अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन का आखिरी डब्बा होता है वो कवर होगा तो उसके लिए चैप्टर नंबर सेवन और चैप्टर नंबर एट इसके लिए आपने क्या क्या अंदर से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन करनी है रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर ये आपने करना है ऑक्सीडेशन नंबर देने के असूलो का वर्णन लिखें ठीक है इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट बाकी सारा आप लोग छोड़ दें आपसे नहीं होगा अगर आपने नहीं किया हो टफ टा, है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल गलवानिक सेल फर्क याद करना है बाकी आपने सारा कुछ छोड़ देना इलेक्ट्रोप्लेटिंग डेफिनेशन करनी है और जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर दिए हैं आपने उनको अच्छे तरीके से जो है वो रीड कर लेना है उसके बाद है चैप्टर नंबर एट है आप लोगों का केमिकल रिएक्टिविटी वाला तो इसके अंदर से आपने सिर्फ़ जो शॉर्ट सवाल एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं इनको आपने कवर करना है इन आपका केमिस्ट्री का पेपर जो है वो डन हो जाएगा तो भाई ये नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री की बुक थी इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपके साथ शेयर की हैं और जो चीज़ें पेपर के अंदर पूछी जाएंगी सो तो लाजमी तौर पर इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है इस साल के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अल्लाह पाक आप सबको उमी कामयाबियाँ दें और अल्लाह करे सभी का पेपर बहुत अच्छा हो जाए और इन शाला हमारी दुआएं आपके साथ हैं सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा पेपर स्कीम और जो बाकी चीज़ें हैं, वो भी चैनल पर मैंने अपलोड कर दें लाज़मी तौर पर उनको देख लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर दें चैनल को, को सब्सक्राइब कर दें मजदीद ऐसी अपडेट्स के लिए